Thank you.
Thank you.
खराब हो चुकी है अगर आप जो Thank you.
Okay. Yeah, I'm showing. Ready? What happened? Sorry, my net got stuck. I think so. Wait, I am showing everyone. Please wait for a minute. My net got stuck, I think. और हम लोग देख सकते हैं, सॉरी मेरा नेट स्टक हो गया था कुछ देर के लिए, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पर देखना पड़ेगा अभी ये क्या हो रहा है भाई, फुल ग्लिच्ड राइट नाउ। अभी देख सकते हैं टीम नंबर टू पे एक ही बंदे खेल रहे हैं, टीम नंबर 18, सॉरी सर आई एम शोइंग टीम नंबर 18, वेट टीम नंबर 18 को देख सकते हैं जो कि सामने कंपाउंड में लूट रहा है, और टीम नंबर 18 के पास जाते हैं। टीम नंबर गॉड लूसीफर ने पिकअप किया है। इधर हम लोग देखते हैं पीयूष शेखर भाई, हम लोग बोलते हैं कि उनसे टीम में आपको दिखा रहा है, टीम नंबर 18 को एक बार दिखा दे। टीम नंबर 18 को देख सकते हैं जो कि शायद से मेरे को लग रहा है कि इधर है टीम नंबर 18 भाई। और इसके साथ एक्सन फैंटम ने कोरोना बिट को पिकअप किया है, इधर फाइट हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं कोरोना बिट को फिनिश अप कर चुके हैं। और इसके साथ बहुत सारे टीम मेरे सामने हम लोग देख सकते हैं, इससे पहले टीम 13 के साथ टीम नंबर 20 का एक फाइट हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं गॉड आई पाइथन को पिकअप किया गॉड्स डोन वुल्फ ने, टीम नंबर 6 के पास जाते हैं। चलो गॉड आई पाइथन टीम नंबर 6 शायद टीम नंबर 7 है, टीम नंबर 7 के पास जाते हैं, टीम नंबर 7 के साथ अभी देखना पड़ेगा, टीम नंबर 7 के साथ टीम नंबर 11 के फाइट हो रहा है, और एक फाइनल क्लियर हो गया तो फिनिश अप कर देंगे। और गॉड आई क्रूज को पिकअप किया गॉड्स डोन वुल्फ ने, और अभी गॉड आई पिक स्टार को पिकअप किया है, इवॉल्व पिके ने पिकअप किया है गॉड आई पिक स्टार, इस तरह तीन बंदे अभी तक अभी के लिए पूरा नॉकआउट हो चुके हैं, हम लोग देख सकते हैं फिनिश अप कर देंगे कैसे भी करके, पिक स्टार को फिनिश अप कर चुके और गॉड आई क्रूज को शायद से डब्ल्यू एन लियो ने पी माई और 1-3-1-0 को पिकअप किया है, और अभी देखना पड़ेगा गॉड आई क्रूज भी नॉकआउट होकर पड़े हुए, और अभी गॉड आई क्रूज का किल भी मिल गया उन लोगों को, और गॉड आई व्यक्ति अकेले बंदे जो कि बंद करते हुए हम लोग को दे, और गॉड आई क्रूज ने दो बंदे को पिकअप कर चुके हैं, और इसके साथ दो बंदे को फिनिश अप भी कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले इवॉल्व पीके, अभी 1v1 का सिचुएशन है, क्या करेंगे वही देखना पड़ेगा। गॉड आई व्यक्ति के पास तीन किल है, अभी देखना पड़ेगा कितना देर ये फाइट ले सके, गॉड आई व्यक्ति इज ऑन अ रोल राइट नाउ, अभी देखना पड़ेगा, और बहुत ही बढ़िया गेम प्ले भाई गॉड आई व्यक्ति, जी वेल प्लेड भाई, 4 kills भाई, इज ऑन अ रोल भाई, रोल भाई, क्या ही खेला उसने। अभी जाते हैं टीम नंबर 23 के पास, डब्ल्यू एन डी फ्यूरी जो कि हम लोग देख सकते हैं नॉकआउट होकर पड़े हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं, और ये देख सकते मॉडल बजाने के लिए एचपी शैडी को पिकअप किया, डब्ल्यू एन डी ब्रार को देख सकते हैं बेस गॉडजी को पिकअप किया है, डी एन फिनिक्स को देख सकते हैं बूंद फार्ट को पिकअप किया है, एच पी वल्चर ने बेनम OMG को पिकअप किया है, अभी देखना पड़ेगा विश्वजीत देव टीम नंबर 16 के एक ही टीम नंबर 6 के एक ही बंदे विश्वजीत देव को तो देख सकते हैं, अभी एक ही बंदे बचे हुए, एक्सेल सैटन जय को पिकअप किया इधर हम लोग देख सकते हैं, अभी के लिए इधर भी जाना पड़ेगा टीम नंबर 16 के साथ, एच टू पी ऑजर इसने इस स्ट्रेंजर टीम नंबर 16 के साथ अभी फाइट हो रहा है टीम नंबर 13 के साथ, टीम नंबर 13 का एक सैटन जय को देख सकते हैं जो कि नॉकआउट होकर पड़े हुए, अभी सैटन जय को रिवाइव मिल जाएगा कैसे भी करके, नहीं रिवाइव देने की बहुत टफ पोजीशन है, पर टी एस एस पॉइंट ने वर्ल्ड स्लेज को पिकअप किया है, अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि तीन टीमें अभी फिलहाल फिनिश अप हो चुके, अभी देखना पड़ेगा वर्ल्ड स्लेज भी पिकअप हो चुके टीम नंबर 17 के साथ, अभी फाइट हुआ टीम नंबर 22 का, कितना देर फाइट चलेगी वही देखना पड़ेगा अभी के लिए, टीम नंबर 10 को देख सकते हैं FS Devil टीम नंबर 10 के सामने, अभी टीम नंबर 3 के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके सामने कोई टीम नहीं है, अभी देखना पड़ेगा टीम नंबर 24 टीम नंबर 21 को देख सकते, डिस्का बूटर ने तथा को पिकअप किया है, अभी देखना पड़ेगा टीम नंबर 16 के साथ अभी फाइट हो रहा है बहुत ही बढ़िया, और इसके साथ KBLI, और इसके साथ बहुत ही बढ़िया गेम प्ले बाई डिस्का बूटा, ओ माई गॉड वॉट अ गेम प्ले बाई डिस्का बूटा, वॉट अ गेम प्ले, 4 kills उनके पास भाई, क्या ही हो रहा है भाई, 1v4 प्लस दिखाई दे रहे हैं,
और हम डब्ल्यू डी ब्लर को देख सकते हैं, सख्त लौंडा को पिकऑफ किया है, डब्ल्यू एन सी ने गेमर को पिकअप किया, डब्ल्यू एन ब्रॉड ने सख्त लौंडा को भी। इसके साथ डब्ल्यू एन बी का टीम भी बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखा रहा है, अभी देखना पड़ेगा। डब्ल्यू एन बी ब्रॉड डब्ल्यू एन बी के पास अभी के लिए 4-5 किल्स है। और इसके साथ क्रिमिनल ने फिनिश ऑफ किया ऑफेंडिंग को। अभी टीम नंबर 6 को देख सकते हैं जो कि अकेले बंदे, विश्वजीत देव को देख सकते जो कि अकेले बंदे बचे हुए हम लोग के सामने। अभी देखना पड़ेगा ओपीडी क्रैटोस ने टीएसएफ आदि को पिकअप किया है। अभी टीएसएफ का टीम भी देखना पड़ेगा कितना देर बच पाए। टीम नंबर 8 का टीम नंबर 5 वार्ड गोल ने टीएसएफ बॉडी को पिकअप किया। टीएसएफ कमान को देख सकते हैं जो कि, और इसके साथ पीछे से शॉट्स कर रही है टीम नंबर 8 के ऊपर। और अभी देखना पड़ेगा टीम नंबर 17 इज ऑन अ क्रिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। कितना देर ये फाइट चलेगी। अभी देखना पड़ेगा 16 टीमें अभी तक के लिए जिंदा है। अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 15 टीम नंबर 10 को पूरा से फिनिश ऑफ कर चुके हैं। टीम नंबर 15 ने पीएलएस फ्यूरी को देख सकते हैं, टीम नंबर 10 को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। टीम नंबर पीएलएस का टीम को देख सकते हैं जो कि है, तीन बंदे अभी तक के लिए जिंदा है। टीम नंबर 22 का शायद से सभी बंदे को रिवाइव मिल गया और अभी चार बंदे खेल रहे। अभी देखना पड़ेगा टीम नंबर 20 को देख सकते हैं जो कि टीम नंबर 8 को सप्लेस करने के लिए कोशिश में, पर अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, अभी वो लोग भी चले जाएंगे किसी भी तरह जोन के अंदर। अभी टीम नंबर 12 के सामने देख सकते हैं टीम नंबर 82 की ऑजिबिस को देख सकते हैं, उनके पास भी 2 किल्स है टीम नंबर 12 के साथ। टीम नंबर और इसके साथ आरएस डेस्ट्रो को पिकअप किया टीम नंबर 12 के साथ। टीम नंबर 5 का भी फाइट हो रहा है जो कि ईटीएफ ब्लैकी और डीएन फिनिक्स को देख सकते हैं जो कि के सामने फाइट हो रहा है। ईटीएफ ब्लैकी ने बून पार्ट को पिकअप किया है। अभी एचटीपी हेड्स और एलजीडीस अभी अकेले बंदे जो कि बचे हुए हैं हम लोग के सामने, हम लोग ये भी देख सकते हैं फाइट्स हो रहा है हम लोग के सामने। और एक्शन फाइनल इटाची को पिकअप किया है, एक्शन फैंटम को फिनिश ऑफ कर चुके हैं और इटे ब्लैकी को पिकअप किया है एचटीपी ओजीरिस ने। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले बाई एचटीपी का टीम टीम 12 इस, और इसके साथ शायद से मेरे को लग रहा है कि रिवाइव देगी किसी भी तरह। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि टीम नंबर 7 इज कमिंग टू गिव थर्ड पार्टी सिचुएशन राइट नाउ। और एटीएफ ब्लैकी को देख सकते हैं कि शॉट्स पड़ रही है उनके ऊपर भी, पर देखना पड़ेगा कितना देर। और इसके साथ गौडा इजक्सी ने किल चोरी किया 5 किल से उनके पास भी। डार्क फिनिश को देख सकते हैं जो कि एचटीपी साहिल को फोन सप्रेस करके बैठे हुए, पर एचटीपी साहिल को शायद से उनको भी शॉट्स पड़ेगी। अभी देखना पड़ेगा कितना देर ये फाइट चले, और मेरे को लग रहा है कि एचटीपी साहिल को फिनिश ऑफ कर देंगे कैसे भी करके, पर कितना देर ये गेम चलेगा वही देखना पड़ेगा। टीम नंबर 2 के सामने टीम नंबर 23 भी है। टीम नंबर 2 को शायद से अभी के लिए स्पॉट आउट नहीं किया है, और टीम नंबर 23 को देख सकते हैं जो कि अभी उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, पर देखना पड़ेगा कितना देर ये शॉट्स चलेगी। अभी देखना पड़ेगा, टीम नंबर 2 भी इज़ ऑन अ डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ। और इसके साथ अभी देखना पड़ेगा कि
शायद से मेरे को लग रहा है कि लूसी ओपी को अपना किल दे देना पड़ेगा अपना। और टीम नंबर 19 को देख सकते हैं जो कि टीम नंबर 2 को सप्रेस करेगी कि नहीं। अभी ये बॉलर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है। WNB का टीम को भी अभी जाना पड़ेगा जोन के अंदर क्योंकि सेकेंड जोन स्टार्ट हो गया अभी के लिए। अभी आई मीन टीम 18, ओके ब्रो आई एम शोइंग टीम नंबर 18, वेट टीम नंबर 18 इज ऑन अ गुड पोजिशन राइट नाउ, दे आर इन द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द टीम। अभी देखना पड़ेगा 861 में आयुषी को जोन को अपना किल दे बैठेंगे शायद से मेरे को लग रहा है। अभी टीम नंबर 4 को देख सकते हैं जोन के अंदर जा रहा है, टीम नंबर 3 को देखते हैं टीम नंबर 3 के सामने। और हाँ भाई KB का टीम अभी तक जिंदा है ब्रो, यस आशीष सिंह भाई KB का टीम अभी तक के लिए जिंदा है। और चार वॉचिंग नाउ वी कैन नो वी नो दैट भाई चार वॉचिंग कर रहे हैं अभी के लिए। जो लोग भी नए हैं प्लीज मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। और भाई एक बात है कि अगर हो सके तो अपना फेवरेट टीम को बोल देना कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, जो भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आई विल शो दैट टीम ओनली टू यू गाइस। और अभी देखना पड़ेगा VQS नियो को देख सकते हैं जो कि नॉकआउट होकर पड़े हुए हैं, पर VQS नियो को शायद से रिवाइव मिलेगी कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और अभी देखना पड़ेगा WNB फ्यूरी को देख सकते हैं कि उसको रिवाइव मिल जाएगा VQS नियो को। और चलो देखना पड़ेगा बिकॉज इताची को देख सकते हैं जो कि KB निक्जी को सप्रेस करके बैठे शायद से स्पॉट आउट किया है उनको भी। और चलो देखते हैं इधर बहुत इंटेंस फाइट हो रहा है, हम लोग को पता है बिकॉज KB निक्जी को भी पता है कि उनको सामने से सप्रेस करके बैठे, पर KB का टीम को भी देख सकते हैं टीम नंबर 24 को देख सकते हैं जो कि और मेंटल एसके को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फ्लैंक एंगल पकड़ के रखा है शायद से उनके पास एक बहुत ही बड़ा KB सब्जू ने इताची को पिकअप किया है अभी के लिए। एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग मिल गया टीम नंबर 3 को शायद से, अभी टीम नंबर 3 दूसरी तरफ से रोटेशन देना सही मांगेंगी। अभी टीम नंबर 18 को देख सकते जो कि एक कंपाउंड होल्ड करके बैठे हैं पर कितना देरी है। और अभी देखना पड़ेगा ओपीटी क्रेटस को देख सकते हैं जो कि शॉट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी, और ओपीटी क्रेटस को पिकअप कर चुके हैं। अभी देखना पड़ेगा टीम नंबर सोनू को पिकअप किया है, इसके साथ बॉर्ड बॉन्ड ओपीटी एक्स अल्फा को पिकअप कर चुके हैं, और टीम नंबर 18 का क्रेटस को भी पिकअप कर चुके हैं। और क्रेटस इज ऑन अ डिफिकल्ट पोजिशन राइट नाउ, वी कैन सी। अभी देखना पड़ेगा कितना देर फाइट चलेगी कि नहीं। थर्टी टू प्लस स्टिल अलाइव, 10 टीम्स आर देयर वी कैन सी। और टीम नंबर 8 को देख सकते हो ओपीटी रश स्क्वाड अकेले बंदे, दो बंदे अभी तक जिंदा है। और टीम नंबर 20 को शायद से स्पॉट आउट किया है, फुल कोर्स थोड़ा सा शॉट्स पड़ा अभी हम के सामने, हम लोग भी ये देख सकते VQS नियो को देख सकते टीम नंबर 3 के बंदे, और टीम नंबर 8 भी अभी के लिए जा रहे हैं 12 के सामने। टीम नंबर 12 के सामने टीम नंबर ओपीटी रश ने वॉट ट्रिगर को पिकअप किया टीम नंबर 12 के सामने, टीम नंबर 23 है पीछे से आए और इसके साथ बहुत ही बढ़िया खेले भाई WNB प्राउड। और WNB वार्ड ने एक ही शॉट से पूरा फिनिश अप भी कर चुके हैं। और टीम नंबर 13 HTP हेड्स अभी इसके साथ बहुत ही बढ़िया गेम प्ले भाई WNB प्राउड। और इसके साथ WNB वार्ड शायद से लैक करें ये देखने को मिला। और फिर आज टीम नंबर 13-15 को देख सकते हैं कि अभी, और अभी के लिए जोन तुरंत ऑर्डर शिफ्ट किया है, टीम नंबर 4 इज ऑन सेंट्रल पोजिशन ऑफ द जोन। और टीम नंबर 21 को देख सकते हैं दो ही बंदे खेल रहे हैं जो कि फिर पर वो भी जोन के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए भी।
ये नंबर फोर शायद से मेरे को लग रहा है कि वो और आर एस 110 जो कि शायद से मेरे को लग रहा है कि वो ऑफलाइन हो चुके थे। टीम नंबर 18 भी जा रहा है जोन के अंदर, टीम नंबर 23 को देख सकते हैं जोन के अंदर जा रहा है। 13 किले उन लोगों के पास, डब्ल्यू एन भी भाई साहब देख सकते हैं कि इसके साथ टीम नंबर 18 के साथ एक फाइट हो रही है। 18 का बड़ा भी लियो ने धरर को पिक अप किया और फिनिश अप कर चुके हैं। और अभी देखने पर टीम नंबर 18 का जो कि दो बंदे अभी तक के लिए जिंदा है, डब्ल्यू एन बी फ्यूरी को शायद से स्पॉट आउट कर सकते हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। और बहुत ही बढ़िया खेलते डब्ल्यू एन बी और इसके साथ फिनिश अप कर देंगे डब्ल्यू एन बी का टीम को देख सकते हैं जो कि उनके पास अभी के लिए बहुत सारे खेले। टीम नंबर 4 को देख सकते हैं, टीम नंबर 4 के पास अभी के लिए 4 किल्स है डीएसटी का टीम के पास। टीम नंबर 15 भी है वीएलएस राज को देख सकते हैं जो कि अभी जोन के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। क्रिमिनल ने वार्प कॉल को पिकअप किया। अभी डब्ल्यू एन बी का टीम देखना पड़ेगा, डब्ल्यू एन बी का टीम का क्रिमिनल ने पिकअप किया। डब्ल्यू एन बी बार के पास 6 किल्स है, चलो देखते हैं कितना दे। और अभी देखना पड़ेगा ओपीडीएस डब्ल्यू एन बी फ्यूरी को, डब्ल्यू एन बी लियो ने फ्यूएलएस फ्यूरी को पिकअप किया है। क्रिमिनल ने शायद से बिकॉज नियो ने कभी सब्जी को पिकअप किया, बिकॉज नियो ने मेंटल रेसर जी को बिकॉज नियो को पिकअप किया, कभी नहीं ने फ्यूएलएस बुल में डब्ल्यू एन बी फ्लार को पिकअप किया। और अभी जाना पड़ेगा क्रिमिनल को, देखना पड़ेगा कि जोन के अंदर जाना पड़ेगा कैसे भी करके। और चलो देखना पड़ेगा डब्ल्यू एन बी लियो ने बिकॉज और इसके साथ वी क्यू एस का टीम को देख रहे हैं, नियो को पिकअप कर चुके, डॉक्टर डब्ल्यू एन को पिकअप कर, रॉनी डब्ल्यू एन को पिकअप कर, बिकॉज डेक्स ओ पी को देख सकते हैं के पास अभी के लिए। और इसके साथ निक्जी ने बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाया है और फिनिश ऑफ कर चुके हैं विक्वेस का टीम को। टीम नंबर 4 के पास अभी के लिए 0 किल्स है, कोई किल्स नहीं है। टीम नंबर 8 के पास अभी के लिए 1 किल है और टीम नंबर 8 का इसके सामने टीम नंबर 24 है जो कि देख सकते हो आप। टीम नंबर 24 को शायद से स्पॉट आउट कर चुके कि नहीं, वही देखना पड़ेगा। अगर कर चुके तो उसको शायद से फिनिश ऑफ भी कर देंगे। रश गॉड को देख सकते हैं जो कि सामने देख के आया टीम नंबर 24 को। और अभी जोन के फिफ्थ जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, 40 सेकेंड बचा हुआ है फिफ्थ जोन स्टार्ट होने में। 15 बंदे अभी तक के लिए जिंदा है, 7 टीमें और सामने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो कि दिक्कत दे सकती है किसी भी टीम को। के भी सब्जी को देख सकते हैं और के भी निक्जी को पिकअप कर चुके हैं ओ पी टी एक्स अल्फा ने, और इसके साथ के भी सब्जी को और इसके साथ वॉर्ड का टीम ने फिनिश अप कर चुके हैं के बी का टीम को। और अभी देखना पड़ेगा टीम नंबर 22 शायद से स्पॉट आउट। टीम नंबर 8 अभी तक के लिए जेन जोन के अंदर है, 5 टीमें अभी तक के लिए जोन के अंदर आने की। टीम नंबर 15 को देख सकते फियरलेस राज को जो कि बाद में जोन के अंदर आएगी शायद से, मेरे को लग रहा है अभी जोन के अंदर जाने की कोशिश में। और जोन स्टार्ट हो गया हम लोग देख सकते, अभी उसको भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। और टीम नंबर 15 को देख सकते हैं जोन के अंदर जाने की कोशिश, टीम नंबर 22 भी जोन के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जोन स्टार्ट हो गया, 100 मीटर जाना पड़ेगा उनको जोन के अंदर। और चलो टीम नंबर 4 डीएसटी साकू को देख सकते हैं, ईएल ट्रिगो को देख सकते और सामने टीम नंबर 21। और इसके साथ मेरे को लग रहा है कि टीम नंबर 23 को फिनिश अप कर चुके हैं और इसके साथ डीएसटी मार्वेलस ने ऑफ ऑफिस को पिकअप किया, इसके साथ फिनिश अप भी कर देंगे एक ही गोली में। डीएसटी मार्वेलस को पिकअप किया और इसके साथ फियरलेस आरजे को देख सकते हैं जो कि जोन के अंदर जाने में सक्षम रहे, नहीं सक्षम अभी तक ये नहीं रहे, अभी वो पीछे से बहुत ही बढ़िया रोटेशन दे रहा है। फियरलेस राज को देख सकते हैं, वार्ड मॉक्स को देख सकते हैं जो कि शायद से उनको साउंड मिला किसी का और वो आएंगे कैसे भी करके। लेवल वन का बेस्ट लेवल वन का हेलमेट है जो कि एक ही, और इसके साथ शायद से वार्ड में पिकअप कर सकते और वार्ड मॉक्स ने पिकअप किया वेलेस आरजे को। और डीएसटी मार्वेलस अपना किल दे बैठे जोन को, डीएसटी साकू ने अपना किल दे बैठे जोन को। और अभी टीम नंबर 4 ईगल चिको को देख सकते हैं जो कि जोन के अंदर जाने की कोशिश में, और सामने है टीम नंबर 8 ओ पी टी एक्स रश गॉड। और अभी देखना पड़ेगा अभी 6 नंबर जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, छठा जोन जो कि कुछ ही देर में 17 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी देखना पड़ेगा ऑपरेटिव अल्फा को देख सकते हैं, रश गॉड को देख सकते हैं, वॉट ट्रिगो पिकअप किया और इसके साथ वॉट ट्रिगो फिनिश अप भी कर देंगे किसी भी टाइम। और इसके साथ वॉट ट्रिगो भी फिनिश अप हो गया,
अभी देखना पड़ेगा। और वॉर्फ स्लेज के पास जाना पड़ेगा, वॉर्फ स्लेज के पास अभी के लिए देखना पड़ेगा कितना खेलते। वॉर्फ स्लेज के पास अभी के लिए 3 किल्स है, पर कितना देर ये फाइट ले सकती है वही देखना पड़ेगा। 22 टीम है, 22 इज ऑन द सेंटर ऑफ द जोन। दो टीम, दो प्लेयर्स है उनके भी, वॉर्फ के टीम के पास 9 किल्स है, ओपीडी के पास 3 किल्स है, ईगल ट्रिगो के पास 0 किल्स है। और भाई जो लोग भी नए हैं प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। जो लोग भी नए हैं भाई, 4 वॉचिंग है भाई, जो लोग भी नए प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। भाई बहुत मेहनत करता हूँ भाई, कर दो। और क्या बोल, और इसके साथ एक नेट पर शायद से लग रहा है कि ना फोर को डेना फोर ने शायद से अभी हम लोग देख सकते हैं कि। और टीना फोर ने, टीना फोर के ऊपर शॉट्स आ रहे, टीना एट भी सामने, टीना फोर के सामने टीना एट जो कि देख सकते हैं अभी हम लोग, टीना एट को देख सकते हैं, टीना एट ऊपर ही बंदे हैं और अब जोन शॉट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी। वॉल्फ स्लेज को देख सकते हैं जोन का डैमेज लेके जाएंगे शायद से, और अभी उन लोगों को भी जोन के अंदर आना पड़ेगा क्योंकि टीम नंबर 22 को देख सकते हैं जो कि एकदम जोन के अंदर ही है। अब ये गेम क्या खुल मचाएगा, क्या रंग दिखाएगा वही देखना पड़ेगा। देख सकते हैं टीनर 18 को देख सकते हैं जो कि जोन के अंदर आने की कोशिश में, जोन के अंदर चले जाएंगे कैसे भी करके। टीनर 4 को देख सकते हैं शायद से, उनको लग रहा है वो हिल बैटल कर रहे हैं, और हाँ हिल बैटल ही कर रहे हैं वो भी। और बहुत ही बढ़िया गेम प्ले बाय टीम नंबर 4 ईगल ट्री को, टीनों को अपना हैशटैग 3 पे लेके आ गया वो। और इसके साथ अपना किल ले बैठे ईगल ट्री को ने, बहुत ही उम्दा गेम प्ले क्योंकि किल किसी को नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया। इस बार प्रॉपर 2v2 का फाइट हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। और इसके साथ वॉल्फ स्लेज ने बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाया और अपना ओपनिंग मिल गया। अभी डीएसटी का टीम क्या कर सकते हैं वही देखना पड़ेगा। डीएसटी का टीम ओपीडी रजगोट को देख सकते हैं जो कि अकेला बंदा बचे, क्या ओपीडी रजगोट क्या पिक ऑफ कर सकते कि नहीं वही देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं वॉल्फ स्लेज को शायद से। और इसके साथ वॉल्फ का टीम जी वेल प्लेड, बिना बिना चिकन डिनर डोमिनेशन दिखाया था बहुत ही बढ़िया। और मेरे को बुरा लग रहा है WNB के टीम के पर क्योंकि उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा की ठीक है, देखते हैं। चलो वेल प्लेड, मेरा चिकन डिनर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सबके साथ।